महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही ये साफ हो गया था कि महाराष्ट्र की जनता को बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार ही पसंद है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन के लिए वोट मांगे थे। लेकिन नतीजा आने के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ गई है। शिवसेना बीजेपी को 50-50 फॉर्मूले पर अमल करने को कह रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इस समीकरण को बदल दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने सभी नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की और इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस फिर से विधायक दल के नेता चुने गए। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में मिली जीत के लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का भी शुक्रिया अदा किया। फडणवीस ने कहा कि निश्चित तौर पर ये जनादेश बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के लिए मिला है, क्योंकि हमने गठबंधन के लिए ही वोट मांगे थे। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा कि ऐसे में किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की ही सरकार बनेगी। ऐसा माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे में सहमति बन गई है और अब जल्द ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उधर एनसीपी ने भी साफ कर दिया है कि हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना ही आपस में पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर सहमति बनाकर जल्द ही सरकार बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।